आप ये तो जानते ही हैं, विस्तारवाद चीन की भूख ऐसी हो गई है कि वो कभी शांत होने का नाम ही नहीं लेती है, जिसके लिए वो हर उस क्षेत्र में घुसने का प्रयास में रहता है जो उसका है ही नहीं। इन शॉर्ट, जमीन कब्जाने के मामले में चीन अब भी वैसा ही है। आपने देखा होगा, चीन बहुत तेजी से अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा हुआ है, साथ ही साथ बॉर्डर एरिया के नज़दीक वो हाईटेक विलेज भी विकसित करने में लगा हुआ है। यानी कि आप देखिए चीन किस तरह प्लानिंग कर रहा है। लेकिन देर से ही सही, भारत सरकार ने इस बार एक बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल भारत सरकार जल्द ही भारत की सीमाओं पर बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए एक समर्पित एजेंसी की स्थापना करेगी। इसके लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि बीमा तिब्बत के साथ ही साथ सीमाओं पर सड़क, रेल, पानी, बिजली और संचार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार होगी। सूत्रों ने कहा है कि इसका उद्देश्य पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि पीपीपी को बढ़ाकर और कार्य को पूरा करने के लिए धन आवंटित करके विशेष क्षेत्रों के विकास को बढ़ाना है। चीन की तुलना में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के लिए रोड हेड कनेक्टिविटी अपर्याप्त है और अरुणाचल प्रदेश के मामले में ये और भी अधिक है। तभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत सरकार और ज्यादा सीरियस हो गई है और बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के तहत भारत ने 6 गुना ज्यादा फंड एलोकेट किया है ताकि भारत अरुणाचल से चीन को तगड़ा जवाब दे सके। सरकार के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार इस मद से 249.12 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की है, जबकि बीते साल ये महज 52.87 करोड़ ही थी। इससे आप समझ सकते हैं कि बॉर्डर एरिया के विकास को लेकर भारत अब कठोरता से कदम उठा रहा है। इसी के साथ ही साथ भारत सरकार ने भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश सीमा के साथ गांव में सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए एक प्रमुख वाइब्रेंट सीमा गांव कार्यक्रम शुरू किया है। यानी कि चीन की चाल पर भारत ने दोहरा वार कर दिया है और भारत ये काम जल्द से जल्द समाप्त कर देगा, क्योंकि चीन के खतरे को देखते हुए भारत ने अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट को पहली प्राथमिकता देने का लक्ष्य रखा है।